तो ये है प्लान्टून नंबर एक, यहीं से गिनती शुरू होती है सेक्टर की भी और प्लान्टून की भी। तो ये आप देख सकते हैं, ये महावीर प्लान्टून है, प्लान्टून नंबर एक। तो इस प्लान्टून के ज़रिए हम उस पार चल रहे हैं, और बता दें कि प्लान्टून में भी काफ़ी अच्छे से तैयारियां यहाँ पर, ये देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पर लग गई हैं, ये देख लीजिए। और इधर आप गंगा जी का बहाव देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ बहाव इधर है गंगा का। और सबसे कठिनाई वाला प्लान्टून था ये, इसको बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि इसमें काफ़ी बहाव देखा जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल संगम नोच का है, यानी कि यहीं से तीनों नदियों का मिलन होता है आगे चलकर। और यहाँ पर और जो सुविधाएं हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही हैं, आप देख सकते हैं लोग बाग अपने अपने काम को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी ज़ोरों पर हैं तैयारियाँ। अमूमन 80% तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और अभी निरंतर तैयारियाँ शुरू हैं। तो हम प्लान्टून नंबर एक यानी कि महावीर प्लान्टून को पार करके इस पार आ चुके हैं, और इधर भी थोड़ा सा दिखा दें कि कैसी हैं तैयारियाँ, क्योंकि इससे पहले जब हमने आपको दिखाया था तो आपने देखा था कितनी तैयारियाँ हो चुकी थी। फ़िलहाल आज हम फिर से आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि पहले की अपेक्षा आज कितना बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई बदलाव तैयारियों में देखा जा रहा है। तो आज की जो तैयारियां हैं कुछ ऐसी हैं, ये आप देख सकते हैं। और इधर देख लीजिए, पानी हटने के बाद कुछ ऐसा सीन दिख रहा है, यानी कि ये सब वर्कर्स हैं। और इस पुल से खाली आया जा सकता है लेकिन जाया नहीं जा सकता, जाने के लिए वापस जाने के लिए है त्रिवेणी मार्ग। तो ये आप देख सकते हैं, इस पार जो है हम आ चुके हैं सेक्टर नंबर 3 में, और सेक्टर नंबर 3 का नज़ारा कुछ ऐसा है। इधर भी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों पर हैं और तैयारियां निरंतर चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर भी बसने लगी है तंबू की नगरी, ये आप देख लीजिए। इस पार का भी नक्शा बिल्कुल बदल चुका है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दें इस क्षेत्र को, क्योंकि इससे पहले हमने दिखाया था तो आपने देखा था यहाँ पर माहौल कुछ अलग था, लेकिन आज सेक्टर नंबर 3 का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। देख लीजिए, 3 सेट के ज़रिए यहाँ पर घिराव हो गया है, और इधर भी देख लीजिए लोग बाग अपने अपने स्थलों का घिराव करना शुरू कर दिए हैं और निरंतर कर भी रहे हैं। तो कुछ ऐसे हैं माघ मेला 2023 की तैयारियाँ, ये आप देख लीजिए। और निरंतर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। और जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये सेक्टर नंबर 3 है, और इधर जलकल विभाग का काम शुरू है। इधर संत महात्माओं के द्वारा जो लाई गई लकड़ियाँ वगैरह हैं, क्योंकि अब 2 महीने इनको यहीं रहने हैं तो उनकी ये व्यवस्थाएँ इधर हैं। ये देख लीजिए, इस आश्रम का सबसे पहले जब नज़ारा दिखाया था हमने आपको तो आपने देखा था कि ये बिल्कुल सुविधाएँ नहीं थी लेकिन बन गई है, और काफ़ी ज़ोरों पर हैं तैयारियां, ये आप देख लीजिए। यानी कि दिन प्रतिदिन माघ मेले का जो स्वरूप है वो बदलता दिखाई दे रहा है। तो अभी से हम जान लें, इधर देख लीजिए भेंट द्वारिका धाम है इधर, ये आप देख सकते हैं। और इधर भी देख लीजिए, ये बनाया जा रहा है कोई आश्रम, टेंट तंबू पंडाल वगैरह। ये श्री सतुआ बाबा शिविर है, इस सतुआ बाबा का आश्रम यहाँ पर है सेक्टर नंबर 3 में, आप देख लीजिए जब कभी आना हो। और सतुआ बाबा ही समिति के अध्यक्ष हैं, इधर भी आप देख लीजिए। और आज हम काफ़ी दूर तक चलेंगे, इधर झूसी के बिल्कुल किनारे तक, और वहाँ तक दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है प्रयागराज का संगम क्षेत्र। इधर देख लीजिए, ये है तैयारियाँ संत महात्माओं के द्वारा, अपने अपने स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, और साथ साथ हम आपको प्रशासनिक सुविधाएं भी दिखाते जाएंगे। इधर ये थाना खाक चौक पड़ेगा, ये आप देख लीजिए, ये थाना खाक चौक है
जो कि प्रयागराज में झूसी के कछार में जो उल्टा किला है उसके बिल्कुल ठीक सामने है, और यहीं पर है अग्निशमन केंद्र खाक चौक। और हम इधर आ चुके हैं और इस गली में चलते हैं। थोड़ा सा इधर भी नज़ारा आप लोगों को दिखा दें, इधर भी देख लीजिए कैसी चल रही हैं तैयारियाँ। ये देख लीजिए कुछ ऐसा हो गया है स्वरूप, बता दें कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, अपने अपने स्थानों को अपने अपने स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे माघ मेला 2023 की तैयारियाँ कुछ ऐसी हैं। सेक्टर नंबर 2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर सेक्टर नंबर 1 का नज़ारा दिखाया और अभी हम सेक्टर नंबर 3 में हैं, क्योंकि सेक्टर नंबर 3 काफ़ी बड़ा परिक्षेत्र है। तो आज हम आप लोगों को दूसरे क्षेत्र में लाए हैं। तो इधर आप देख लीजिए ऐसी है माघ मेला 2023 की तैयारियाँ, ये देख लीजिए। जो प्रयागराज का जो माघ मेला लगता है, चाहे वो कुंभ हो या अर्धकुंभ हो महाकुंभ हो जो भी हो, लेकिन जोन जो होता है जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो होता है संगम नोज। संत महात्मा कहीं भी बसे कहीं भी रहें, लेकिन जो मुख्य स्नान होते हैं उनको संगम नोज पर जाकर त्रिवेणी संगम में ही स्नान करने होते हैं। तो कुछ ऐसी हैं तैयारियाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए तैयारियाँ कुछ ऐसी हैं और काफ़ी ज़ोरों पर है तैयारियाँ। बता दें जो माघ मेला 2023 की जो तैयारियाँ हैं वो काफ़ी ज़ोरों पर हैं। इधर भी देख लीजिए कल्पवासी और संत महात्मा अपने अपने स्थलों पर बसने शुरू हो गए हैं। इधर भी देख लीजिए तैयारियाँ चल रही हैं और हम बिल्कुल झूसी के करीब यानी कि छतनाग के समीप आ चुके हैं। तो इधर भी आप देख लीजिए काफ़ी तैयारियाँ ज़ोरों पर हैं। ये देख लीजिए अलग अलग आश्रम अलग अलग अखाड़े लगने यहाँ पर शुरू हो गए हैं, ये देख लीजिए। और इस गली से हम वापस चल रहे हैं और वापस चलने के बाद थोड़ा सा इस गली का भी नज़ारा दिखा दें, क्योंकि काफ़ी दूर तक लगा है, अभी वहाँ तक जाना होगा। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे और दिखाएंगे पूरा का पूरा परिक्षेत्र। और माघ मेला जब तक रहेगा तो माघ मेले संबंधित एक एक गतिविधियों का नज़ारा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि माघ मेले से संबंधित जितनी भी अपडेट हैं वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें दिखाते रहें। और बता दें कि माघ मेला में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो संत महात्मा अघोरी संत निरंकारी संत जितने भी आते हैं उन सब लोगों का परिचय आप लोगों से करवाते रहेंगे, उन सब लोगों का नज़ारा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। या आप देख लीजिए घास फूस की मड़ाई बनाकर कुछ ऐसे तैयार किया जा रहा है, अपने अपने कुटियों को अपने अपने आश्रम को और अपने अपने अखाड़े को अपने अपने पंडाल को कुछ इस तरह से सजाया जा रहा है बनाया जा रहा है। यानी कि काफ़ी बदलाव आ चुका है माघ मेला परिक्षेत्र में और माघ मेला 2023 की तैयारियों में। तो प्रतिदिन आप कोई ना कोई बदलाव यहाँ पर होता देखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो पहले की अपेक्षा कुछ ऐसी हैं तैयारियाँ। और इधर आप देख लीजिए ये लोग पूरे अपने अखाड़े से संबंधित जो सामग्रियाँ हैं यहाँ पर रख दिए हैं और तैयारियाँ करने में लगे हुए हैं। और इधर भी आप देख लीजिए कुछ ऐसी है तैयारियाँ माघ मेला 2023 की। और हम पुनः वापस हो चुके हैं और आ चुके हैं खाक चौक थाना और खाक चौक अग्निशमन केंद्र पर। तो आज हमने आपको प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले 2023 की तैयारियों के बीच सेक्टर नंबर 2 से सेक्टर नंबर 1 और सेक्टर नंबर 3 का नज़ारा दिखाया। तो आपने देखा कि पहले की अपेक्षा अब कैसी है माघ मेला 2023 की तैयारियां और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। आपने देखा कि दिन प्रतिदिन माघ मेला 2023 की तैयारियों में कोई ना कोई परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हैं और तंबुओं की नगरी बसने के बाद प्रतिदिन माघ मेला की जो तैयारियाँ हैं उसकी रोचकता में चार चांद लगने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से निरंतर हम आप लोगों को माघ मेला की
सारी की सारी गतिविधियों से रूबरू करवाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो लेकर आप लोगों से मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।